इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्रेजी फैक्ट्स के बारे में, या कहना चाहिए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में, जो कि विमेन से रिलेटेड हैं, लड़कियों से रिलेटेड हैं, जिनको सुन के आप सच में पागल हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, उनको ध्यान से सुनना, मन में लाना, उसको अप्लाई करना, आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। पहला फैक्ट कि जो ह्यूमर होता है, जिसको हम ह्यूमर कहते हैं, जो कि हंसी मजाक या फिर जिसको हम कह सकते हैं हंसना खेलना या मजाक करने की जो क्रिया होती है, मजाक करने की जो कला होती है, वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। यानी कि अगर कोई बहुत अच्छा मजाक करना जानता है तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगा, इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि सार्केज़म हो गया, ह्यूमर हो गया, ये वही लोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं जिनके पास दिमाग होता है। अब लड़कियां जो होती हैं इसलिए उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं ना चाहते हुए भी, जो हंसाना जानते हैं, जिनके पास ह्यूमर होता है, जो ह्यूमरस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर है, आप हंसा सकते हो लड़कियों को, तो वेलकम, बिल्कुल लड़की आपके पास आएंगी। दूसरा फैक्ट कि जिस लड़की के पास जितना ज़्यादा IQ होगा, उसके पहली बात तो बॉयफ्रेंड्स बहुत कम रहे होंगे अभी तक, दूसरी बात जो बॉयफ्रेंड्स रहे भी होंगे वो बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आई गई होगी, बहुत उसने चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी, परखी होंगी। और बहुत ही ऑब्वियस ही चीज़ है, आपके पास अगर दिमाग है तो आप कोई भी चीज़ देख परख के लोगे, देख परख के लोगे तो पहली चीज़ वो चीज़ लेने के लिए आपको काफ़ी देरी हो जाएगी, यानी कि वो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए लड़कियों को काफ़ी देर टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और अगर टाइम टेकिंग होगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है भाई कि वो ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स बना नहीं पाएंगी। तो जज नहीं करना किसी को, लेकिन इस चीज़ से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि कौन सी बंदी कितनी ज़्यादा पानी में है। नेक्स्ट फैक्ट कि अगर कोई बंदी किसी बंदे को देखती है जिसके पीछे पहले से ही कुछ लड़कियां दीवानी हैं, तो वो लड़की अपने आप उस लड़के की दीवानी हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं, इसका एक टर्म होता है वो जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक इफेक्ट होता है, शायद स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, कुछ कुछ ऐसा करके इफेक्ट है। हाँ, और बहुत सिंपल सी चीज़ है ना कि अगर कोई बाहर सेलिब्रिटी जा रहा है, उसके पास आसपास सारे घूम रहे हैं, आपको नहीं पता सेलिब्रिटी, ऑब्वियसली वो घूम रहे हैं, तो वो जो आपका परसेप्शन बन रहा है वो यही लग रहा है कि भाई सेलिब्रिटी है, और सब आके उसके सेल्फी ले रहे हैं उसके साथ, तो आपके मन में भी आएगा मैं भी सेल्फी ले लूँ क्या, या मैं भी देखता हूँ ऐसा कौन है, ये अभी कौन है यार, ये चीज़ आ जाती है ना, क्योंकि अगर 10 लोग वो चीज़ करें तो वो चीज़ सही होगी ही होगी, ये हमें लगता है और यही चीज़ लड़कियों को लगता है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आपके आसपास अगर 4-5 फ्रेंड्स ही हैं आपकी फ़ीमेल, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, जो आपकी क्रश है उसको लगेगा कि यार इसमें कुछ तो बात होगी, क्यों ना मैं एक बार इसको अप्रोच कर ही लूँ या इसको एक मौका दे दूँ। नेक्स्ट फैक्ट कि जब लड़के ब्लश करते हैं, जब लड़के शर्माते हैं ना, तो वो ऊपर देखते हैं या राइट या लेफ्ट देखते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे या ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, और जब लड़कियां ब्लश करती हैं तो वो नीचे देखती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लड़कियां धीरे धीरे नज़रें उठाती हैं और आपको देखते हैं, बोलते आए हाय हाय मैं तो पागल हो गया, और लड़के ऐसी कुछ हरकतें नहीं करते हैं। और जब लड़के बहुत ज़्यादा, जिसको नर्वसनेस भी कह सकते हैं, ब्लश करना भी कह सकते हैं, तो अपनी चेन को थोड़ा रब करना शुरू करते हैं, जॉ को थोड़ा है ना इच करना शुरू कर देते हैं, आईब्रो को करना शुरू कर देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ना खुजली करना शुरू कर देते हैं, अजीब सी हरकतें। और जो लड़कियां होती हैं वो अपने बाल को, जो उनकी जुल्फें आ रही होती हैं ना, जो स्ट्रैंड आ रहे होते हैं, उसको वो ना अपनी उंगलियों से पीछे करती हैं, आए हाय हाय, जो कान के पीछे करती है बड़ा अच्छा लगता है ना। एक्चुअल में बंदी थोड़ी नर्वस होती है, थोड़ा ब्लश कर रही होती है, इसलिए वो ऐसा कर रही होती है। और लड़कियों को जिन लड़कों की वॉइस डीप होती है, डीपर होती है ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो होता है ना हे हे वॉज अप, तो लाइक वॉज अप, लाइक वॉट वॉज गोइंग ऑन, तो वो जो आजकल के लड़के होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा फेक कर रहे होते हैं ऐसे करके, उनके पीछे लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा दीवानी होती हैं। तो लड़कियों को तेज़ आवाज़ वाले लड़के, चीखने वाले लड़के अच्छे लगते, डीप वॉइस वाले अच्छे लगते हैं कि आप धीरे बोलो, लेकिन जिस तरीके से बोलो वो बहुत सेक्सी लगना चाहिए, ऐसा लड़कियों को लगता है। अब क्यों लगता है वो तो वही जान सकती हैं। नेक्स्ट फैक्ट कि अगर कोई लड़की सामने वाले को, या स्पेशली अगर लड़के को कोई भी अपने प्रॉब्लम्स बता रही होती है, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि आप उसके सॉल्यूशंस दे दो या वो लड़का उसको सॉल्यूशन दे, नहीं, वो इसलिए बता रही होती क्योंकि उनको अपना मन हल्का करना होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदी आपको अपने प्रॉब्लम्स बताए तो उसको सॉल्यूशंस मत देने लग जाना, उसको आपके सॉल्यूशंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके सॉल्यूशंस सुनेगी भी नहीं और शायद इग्नोर ही कर देगी। आप बोलोगे यार उस टाइम तो बड़ा बोली थी, अभी इसको देखो ये चीज़ करनी नहीं है, लड़की को लाख बार समझा लोगे तब भी वो नहीं मानेगी, इसलिए लड़कियों की बस बातों को सुना करो, लड़की आपसे वैसे ही खुश हो जाने वाली है, अप्लाई करके देखो मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट कि जो लड़के होते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे की बेइज्जती मारते रहते हैं, लेकिन वो उसमें कोई वो नहीं होता, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, या वो सच में ऐसा नहीं कर रहे होते, वो उसको ज़्यादा इतना माइंड नहीं करते। और जो लड़कियां होती हैं वो आसपास की जो उनकी सहेलियां होती हैं उनकी खूब तारीफें करते हैं और उसको मीन नहीं करती हैं, वो ऐसे ही कहती हैं,
उनका कुछ खास उससे मतलब होता नहीं है, समझ रहे, मतलब सच्चाई उसमें इतनी नहीं होती। तो अगर कोई लड़का किसी बंदे की बेइज्जती मार रहा है तो ऐसे ही कर रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर कोई लड़की किसी लड़की की तारीफ कर रही है तो उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। एक अजीब सा फैक्ट है कि एक एवरेज टाइम, जो मैक्सिमम टाइम है कोई लड़की किसी सीक्रेट को रख सकती है, वो है 47 hours 15 minutes, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। तो अगर आप किसी बंदी को अपने सीक्रेट बताते हो तो यकीन जान लो यार कि 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से वहाँ फैल सकती है, और 2 दिन भी बहुत ज़्यादा हो गया आजकल तो, बस ऐवें ही व्हाट्सएप और इन सबका, सोशल ऐप्स का ज़माना है, 2 घंटे में पार हो जाती हैं चीज़ें, 2 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। तो ये थे कुछ क्रेजी फैक्ट्स जो कि बताने की मैंने कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, और इसका अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।